सबसे पहले तो आसिफ शेख साहब ने यह माना कि जनता दल एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये कि आज सवाल माजी और मुस्तकबिल का ही है कि जो लोग 20-22 साल पहले तरक्की का नारा लगा कर आए, आज वो शहर में किसी भी रोड पर या किसी भी जगह पर खड़ा होकर ये बोल दें कि ये शहर को उन्होंने 22 साल में तरक्की दे दी तो हम मान लेंगे। आज वो कहीं पर खड़े होकर ये बोलने के भी काबिल नहीं बचे कि हमने इस शहर को तरक्की दी है। ऐसे हालात में मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि शहर को तरक्की पर लाने के लिए माजी में जो लोग थे, निहाल साहब, शब्बीर सेठ, आयशा हकीम या हारून अंसारी साहब और दूसरे लीडरान, इन सब की जो सोच थी हम उस सोच को लेकर चल रहे हैं। और इन लोगों ने जो इस साल इस शहर के साथ किया वो आज हमारे शहर के सामने है। आसिफ शेख साहब अगर ये बोलते हैं कि यार जिनके MLA ज़्यादा हैं तो फिर आसिफ शेख साहब को तो कांग्रेस छोड़ के BJP में जाना चाहिए था, क्योंकि अगर MLAs की तादाद और MPs की तादाद देकर फैसला करना है तो फिर आज मुल्क में सबसे ज़्यादा MLA और MP BJP के पास है। सही बात यह है कि ये मेंटालिटी का फ़र्क है कि सियासत एक फिक्र और एक आइडियोलॉजी के हिसाब से की जाती, सियासत MLA और MPs की गिनती पर सोच बदली नहीं जाती। 1999 से 2014 तक महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, कहीं ना कहीं ये MLAs रहे, इन्होंने शहर के लिए कितनी तरक्की कर दी। आज ये खुद 5 साल MLA थे तो शहर के लिए क्या तरक्की किए। तो सवाल काम करने के तरीके में है, ना कि किसी MLA या कोई किसी चीज़ की तादाद देखकर हम फैसला करें। और ये मालेगांव शहर के लिए बहुत अच्छा हो गया कि BJP की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनी, नहीं तो जिस हिसाब की आसिफ शेख साहब की मेंटालिटी हो गई है वो तो BJP में चले गए होते, क्योंकि वो सरकार और MLAs की तादाद देखकर फैसला कर रहे हैं, उनकी अब कोई आइडियोलॉजी नहीं बची, उनकी कोई फिक्र नहीं बची। तो ऐसे हालात में शहर की ज़रूरत क्या है, ये फ़िलहाल पूरा शहर जनता दल की तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है और जनता दल काम भी कर रही है। हम उस जलसे में भी एक बात बोले कि हम निहाली सोच और एक नई सोच दोनों को लेकर चल रहे हैं और उस हिसाब से हम शहर का डेवलपमेंट भी चाहते हैं। और शहर में जो फिरका परस्ती है जो मालेगांव सेंट्रल में है, वो फिरका परस्ती से किस हिसाब से मुकाबला किया जाए, फ़िलहाल ये मुकाबला और ये तरक्की फिरका परस्तों से मुकाबला करने के साथ साथ शहर की तरक्की ये सिर्फ़ और सिर्फ जनता दल के लीडरान ही कर सकते हैं। और शानहीन जो मालेगांव शहर जनता दल की सदर बनी वो सिर्फ जनता दल की सदर है ऐसा नहीं है, वो इस शहर की नुमाइंदा है और शहर उसको नुमाइंदे के तौर पर देख रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शानहीन जनता दल की भाग दौड़ संभालने के बाद आज जो जनता दल मजबूत हुई है उसे और मजबूत करेंगी और शहरी ज़रूरत का पूरा ख्याल रखते हुए कामकाज करेंगी। ख़ास तौर से बुनकरों का ख्याल रखना, आज बुनकर मुसलसल परेशान है और उनकी परेशानी उनका हल निकालने के लिए कोई वैसी कोशिश नहीं की जाती जिस तरह से कोशिश की जाना चाहिए। अब अगर मैं आसिफ शेख साहब को ही बोलूं कि यार ये दूसरे कई हॉल की बात बोलते हैं, बुनकर बाज़ार के ताल्लुक से तो इन्होंने कभी बात भी नहीं बोली, काम तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे वक्त में बहरहाल मालेगांव शहर को शानहीन से पूरी उम्मीद है और मैं पार्टी के एक रुकन की हैसियत से मैं पुरुम्मीद हूँ कि वो इस शहर के लिए बेहतर नुमाइंदगी करेंगी और इस शहर को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगी।